अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, ज्योति की कायनात में स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी चीज़ी पाव। इसके लिए हम ले रहे हैं ऑयल, आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अब देखिए गर्म हो गया है। अब हम यहाँ डालेंगे चौथाई चम्मच हींग। उसके बाद में हम यहाँ ऐड करेंगे बारीक छोटा छोटा सा कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से हमें भून लेना है। हम यहाँ पाव का मसाला तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही यमी बनकर तैयार होगा। ये देखिए, अब हमें प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन हमें इसे भून लेना है, डार्क ब्राउन बिल्कुल मत करिएगा इसे। और हमें फ्लेम रखना है बिल्कुल मीडियम। अब हम इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, बाकी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन बिल्कुल बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो आप इसे मत डालिएगा। बस इसे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जो कच्ची महक है वो चली जाए। लहसुन अदरक देखिए भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैंने यहाँ आधी कटी हुई शिमला मिर्च ली है। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे ओवर कुक हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तकरीबन हमें 6 से 7 सेकंड के लिए हमें इसे कुक करना है। बस ये देखिए शिमला मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना, एक बाइट में भी बहुत ही क्रंची क्रंची आएगा। ये देखिए बस इतना हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल मीडियम साइज़ का हमें एक टमाटर यूज़ करना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसे काट लिया है और जिसके बीज थे वो हमने निकाल दिए हैं और इसे हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो इसे ढक करके भी पका सकते हैं। ये देखिए अच्छे से टमाटर अब पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों बगैर तो कोई स्वाद ही नहीं है बिल्कुल भी। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और नमक ले लीजिएगा आप स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून नमक ले रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें इन मसालों को पका लेना है। इस वक्त हमें फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम पे रखना है और लो मीडियम पे हमें इन मसालों को भुनना है। इनका जो फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही यमी आएगा। जब हम लो फ्लेम पे कोई मसाले पकाते हैं तो वो बहुत अच्छे से कुक होते हैं। तो बस ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाले हमारे भुन चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला यूज़ किया है। आप कोई सा भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर लीजिएगा। पाव भाजी मसाला डालने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है, बहुत ही यमी। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, लगभग 100 ml के करीब हमें इसे पानी डाल करके पकाना है और अब हम इसे 2 से 2.5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे पकाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, टमाटर हरी मिर्च सब बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज। हमने यहाँ इन्हें उबाल लिया है और मैशर की मदद से इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ कद्दूकस भी कर सकते हैं और ये देखिए बिल्कुल मसाले में हमें इन्हें बिल्कुल अच्छे से लिपट हुआ बिल्कुल लिपेट लेना है बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए बिल्कुल मसाला हमारा रेडी होगा, बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ ये देखिए बिल्कुल चटपटा मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल ऊपर से हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमें फ्लेम करना है बंद और बस इसे अच्छे से मिक्स करके और ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब हमें लेना है एक पैन और उसे लो मीडियम फ्लेम पे हमें गरम कर लेना है। उस पर डालना है हमें बटर। बटर जब गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला। आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा और इसे हमने पाव को बिल्कुल टॉस्ट कर लेना है। हमने पाव भाजी वाले पाव लिए हैं और इन्हें बीच में से हमें काट लेना है और ये देखिए बिल्कुल मसाले में अच्छे से इसे लिपेट लेना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें इन्हें लिपेट लेना है। और उसके बाद में हमने जो मसाला तैयार किया था वो इसमें लगाना है बिल्कुल अच्छे से भर करके हमें मसाला लगाना है। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, एक एक साइड में हमने इसमें मसाला लगा देना है। और ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसमें मसाला लगाया है, अच्छे से सेक लिया है और अब हम लगा रहे हैं चीज़ स्लाइस। इसके बिना तो मसाला चीज़ी पाव बिल्कुल अधूरा है। आप चाहें तो यहाँ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और ये देखिए बिल्कुल यमी यमी कितना प्यारा लग रहा है।
और अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से घुमाते हुए टोस्ट कर लेना है, बिल्कुल गर्म कर लेना है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। इसमें हमें कोई चटनी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो मसाला हमने रेडी किया है वो बहुत ही चटपटा और बहुत ही यमी है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी वड़ा पाव आप इसे कह लीजिए, मसाला वड़ा पाव आप इसे कह लीजिए या चीज़ी पाव आप इसे कह लीजिए, बहुत ही यमी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं ना तो बच्चे तो इसे खुश होकर के बहुत ही अच्छे से खाएंगे। ये लीजिए बिल्कुल चीज़ी मसाला पाव बन करके रेडी हो गया है। बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इतना यमी और टेस्टी बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही यमी बना है, बच्चे तो इसे बिल्कुल चट करने वाले हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।